Hello children, welcome to ASA Education. Today we will do great personalities of the past. Objective, to know and learn from life and works of the renowned personalities of the region. अब इस चैप्टर को पढ़ने का मेन मोटिव या ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम जानेंगे लाइफ के बारे में और वर्क के बारे में, जिन भी पर्सनालिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे, जिस भी जगह को वो बिलोंग करती होंगी। बैकग्राउंड, अ सिटी और विलेज मे बी नोन फॉर रिनोन्ड राइटर्स, पेंटर्स, पोएट्स, सोशल रिफॉर्मर्स। एक गांव या एक शहर जाना जाता है कई फेमस राइटर्स की वजह से, पेंटर की वजह से, पोएट की वजह से, जो सामाजिक काम करते हैं उनकी वजह से, सोल्जर्स की वजह से, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वहां पे, कुछ सोशल साइंटिस्ट होते हैं फेमस या साइंटिस्ट होते हैं, हु वर बोर्न और हैव वर्क्ड इन दैट प्लेस, जो कि वहां पैदा हुए या फिर उन्होंने उस जगह पे रहकर काम किया। मैनी ऑफ देम फाइंड अ प्लेस इन बुक्स, मैगजीन्स एटसेट्रा, बट सम ऑफ देम डू नॉट। बहुत से लोग हैं जो इतने फेमस हो गए कि हम उनके बारे में बुक्स में या मैगजीन्स में पढ़ते हैं, पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने काम तो किया पर उतने फेमस नहीं हो पाए। इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेम्बर देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस सो दैट दे कैन बी एन इंस्पिरेशन टू द प्रेजेंट जनरेशन। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम हर उस इंसान के कॉन्ट्रीब्यूशन को याद रखें और उसको एक इंस्पिरेशन की तरह लें, ताकि हम उनके जैसा कुछ अच्छा काम कर पाए। मेथोडोलॉजी, सेलेक्ट रिनोन्ड पर्सनालिटी बिलोंगिंग टू योर विलेज, टाउन, सिटी और रीजन। एक कोई आप अपने गांव, शहर या जिस एरिया में आप रहते हो वहां की कोई एक पर्सनालिटी जो कि बहुत फेमस हो, उनके बारे में या उनको सेलेक्ट करो, उनको सोचो कि हाँ इनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, एंड कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन from elders, libraries or local newspapers with respect to। अब उनके बारे में जो आपको इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, जानकारी ज्यादा से ज्यादा आप हासिल कर सकते हो अपने बड़ों से पूछ के, लाइब्रेरीज में जाके या लोकल न्यूज पेपर में। अब इनके बारे में जानकारी आपको क्या क्या इकट्ठी करनी है,